मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास एक्सरसाइज 1.5 का कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। तो हमें इनको सरल करना है। अब देखो यहाँ पे जो परिमेय संख्याएं भी है इसके अंदर और अपरिमेय संख्याएं भी है हमारे पास, तो वास्तविक संख्याओं पर इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए वास्तविक संख्याओं पर वर्गमूल से संबंधित दो बेहद इंपॉर्टेंट सर्वसम्मिकाएं हैं। एक तो है हमारे पास कि वर्गमूल ए बी, इसको हम लिख सकते हैं वर्गमूल ए गुना वर्गमूल बी। जैसे अगर हम वर्गमूल 6 लिखें तो इसको हम 6 को 2 गुना 3 लिख सकते हैं, तो फिर हम इसको लिख सकते हैं वर्गमूल 2 गुना वर्गमूल 3। एक तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है और दूसरी है हमारे पास वर्गमूल a बटे b, तो इसको हम लिख सकते हैं वर्गमूल a बटे में वर्गमूल b। तो ये दो बेहद इंपॉर्टेंट सर्वसमीकाएं हैं वर्गमूल से संबंधित। इसके अलावा भी और काफी हैं लेकिन वो एप्लीकेशन है जो हमने सर्वसमीकाएं पढ़ी है बीजगणित में क्लास 8 में, तो वो अपने आप इनके जो बेस पे जो रिजल्ट बनेंगे उनको हम साथ साथ में करते रहेंगे, लेकिन ये जो दो बेहद इंपॉर्टेंट है आपको ये ध्यान रखनी है। मान लो हमारे पास वर्गमूल 3/5 है तो हम इसको लिख सकते हैं वर्गमूल 3/ वर्गमूल 5। तो अब इनके बेस पे क्वेश्चंस देखते हैं हम। तो यहां पे हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, इनको सरल रूप में लिखना है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 3 + √3 और 2 + √2। तो जैसे हम गुना करते हैं उसी तरह से हमें गुना करनी है। अब देखो 3 की 2 के साथ गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा और 3 की √2 के साथ गुना करेंगे तो 2 अलग अलग पद है, तो इनको ऐसे लिख देंगे 3 √2 3 √2। अब वर्गमूल 3 की 2 के साथ करेंगे तो ये भी दोनों अलग अलग है तो ये आ जाएगा 2√3 और वर्गमूल 3 की √2 के साथ करेंगे तो √3 × √2 ऐसे लिख दिया हमने। अब देखो 6 अलग पद है तो 3√2 ये भी अलग है और ये 2√3 ये भी अलग है। देखो इस पे अभी वही बात लागू होगी कि वर्गमूल ए बी ये होता है हमारे पास वर्गमूल ए गुना में वर्गमूल बी, तो इसको ये भी लिख सकते हैं और इसको ये भी लिख सकते हैं, तो हम दोनों को एक ही वर्गमूल में इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा वर्गमूल 3 × 2 3 × 2। और अगली लाइन में हम इसको क्या करेंगे 3 × 2 को कितने लिख देंगे 6 लिख देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 6 + √3 + √2 + √3 + √6। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। पहले बच्चों ध्यान रखना है प्लस माइनस समान पद होते हैं, मतलब एक जैसे पद होंगे प्लस माइनस मल्टीप्लाई, तो इस तरह से। अब देखो मल्टीप्लाई में देखो ये समान पद भी लिखे गए लेकिन जब हम प्लस करेंगे या माइनस करेंगे तो एक जैसे पदों को, यानी कि √2 + √3 होता तो हम इस पर लिख देते। देखो ये √2 है और ये 3√2 है, ये 1 है और ये 3 है, तो ये कितना हो जाता है 4√2। तो इस तरह से आपको देखना है कि समान पद है या नहीं है, उसके बेस पे फिर आगे काम होगा। अभी देखो सारे अलग अलग है तो ये ऐसे ही लिखे हुए हैं, आगे और प्लस माइनस इनका नहीं हो सकता है। ये किसी तरह से दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे पार्ट में है हमारे पास 3 + √3 और गुना में है 3 − √3। अब देखो इसको दो तरीके से करेंगे हम इस क्वेश्चन को। एक तो हमें हमारे दिमाग ध्यान में गुना आ गया तो 3 के साथ गुना करेंगे तो 9 आ गया, 3 की √3 तो माइनस का है 3√3 हो जाएगा। अब वर्गमूल 3 की 3 के साथ करेंगे तो ये प्लस के 3√3 हो जाएगा और इसके साथ करेंगे तो −√3 × √3। तो इन दोनों की गुना करेंगे तो माइनस तो आगे लिख दिया मैंने, दोनों यहां पे लिख दिए। अब देखो यहां पे ये 9 हुआ, अब ये माइनस का 3√3 और ये प्लस का 3√3 है, ये तो कट गया हमारे पास। अब देखो √3 × √3 यानी कि √3 का स्क्वायर होगा और वर्ग से वर्गमूल कट जाता है तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो यहां से हमें मिला −3, तो आंसर आ गया हमारे पास 6। तो इसका आंसर 6 आ गया।
दूसरे पार्ट का। अब देखो इसी को एक तरीके से और सीख सकते हैं, तीन प्लस वर्गमूल तीन और तीन माइनस वर्गमूल तीन है। आठवीं क्लास में हमने एक सरल सामयिका पढ़ी थी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, ये एक सरल सामयिका थी हमारे पास। या हम इसको ये कहें कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, ये देखो ए रहा दोनों जगह पे, ये बी रहा यहां पे प्लस और यहां पे माइनस, तो ये सर्वसामयिका यूज हो जाएगी यहां पे हमारे पास, ये सर्वसामयिका यहां पे यूज हो रही है। कैसे? तो ये ए प्लस बी और ये ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं कि सर्वसामयिका, ये जो सर्वसामयिका है इसके नजदीक लिख दो, इसको इंग्लिश में एंटी बोलते हैं, का प्रयोग करके, इसका प्रयोग कर रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा हमारे पास। देखो ये a प्लस बी ये a माइनस बी, तो कितना बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a है हमारा तीन, तीन का स्क्वायर माइनस b है हमारा वर्गमूल तीन इसका स्क्वायर, तो ये नो हो जाएंगे माइनस, ये वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा तीन, तो कितना आ जाएगा छह। तो दोनों ही तरीके में से आप कोई भी तरीका कर सकते हो, आंसर आपका सेम आएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक इसी तरह से थर्ड पार्ट है हमारे पास, यह है वर्गमूल पांच प्लस वर्गमूल दो और इसका वर्ग। अब देखो ये कुछ ना कुछ कुछ ऐसा नहीं है, a प्लस बी इट्स ऑल स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो इस सर्वसामयिका का प्रयोग करके हम ये सर्वसामयिका का प्रयोग कर रहे हैं, तो कितना ये a है ये b है, तो वर्गमूल पांच प्लस वर्गमूल दो इसका वर्ग है, तो क्या बन जाएगा वर्गमूल पांच इसका वर्ग प्लस वर्गमूल दो इसका वर्ग प्लस दो गुना वर्गमूल पांच गुना में वर्गमूल दो स्क्वायर प्लस बी प्लस टू ए बी। अब यहां से वर्गमूल पांच वर्ग से वर्गमूल कट गया तो पांच आ गया, यहां से भी वर्ग से वर्गमूल कट गया तो दो आ गया, तो ये हो गया दो। अब देखो दोनों एक ही वर्गमूल में इकट्ठे हो जाएंगे, वर्गमूल पांच गुना में वर्गमूल दो, तो एक ही वर्गमूल में इकट्ठा करें वर्गमूल पांच गुना में वर्गमूल दो, इसको लिख सकते हैं हम वर्गमूल पांच गुना में दो यानी कि वर्गमूल दस, तो यहां पे हम इसको लिख देंगे दो वर्गमूल दस। अब देखो पांच और दो कितने हो जाएंगे सात, सात प्लस दो वर्गमूल दस, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये है हमारे पास थर्ड पार्ट। पहले बच्चों आप एक तरीके से और भी, जैसे वर्गमूल पांच प्लस वर्गमूल दो इसका वर्ग है, तो अगर आप इसको वर्गमूल पांच प्लस वर्गमूल दो और वर्गमूल पांच प्लस वर्गमूल दो लिखे, क्योंकि जैसे x का वर्ग है तो क्या होता है x गुना में x, पांच का वर्ग है तो क्या होता है पांच गुना में पांच, तो इसका वर्ग है तो इसकी इसके साथ है, अगर आप इसकी इसके साथ सिंपल गुना भी करेंगे तो भी आंसर यही आएगा हमारे पास। करके देख लो, वर्गमूल पांच गुना में वर्गमूल पांच इसकी इसके साथ प्लस वर्गमूल पांच गुना में वर्गमूल दो प्लस, अब यहां है वर्गमूल दो गुना में वर्गमूल पांच प्लस वर्गमूल दो गुना में वर्गमूल दो, वर्गमूल पांच की वर्गमूल पांच से करेंगे तो पांच मिल जाएगा। अब देखो वर्गमूल पांच ये तो वर्गमूल दस हो जाएगा एक ही वर्गमूल में इस तरीके से, और ये भी तो यही है, ये भी वर्गमूल दस हो गया, और ये वर्गमूल दो की वर्गमूल दो के साथ गुना करेंगे तो दो आ जाएगा, पांच और दो कितने हो गए सात, और वर्गमूल दस और वर्गमूल दस ये हो जाएंगे दो वर्गमूल दस, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा सेम आ जाएगा। आपका तरीका ठीक होना चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक होनी चाहिए, तरीका जो मर्जी अप्लाई कर लो आप, किस भी तरीके से आप चल सकते हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते एक और पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट है हमारे पास। वर्गमूल पांच माइनस वर्गमूल दो
और वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2, इसको हमें करना है। अब देखो ये एक ही जैसे करें दोनों, दूसरा और चौथा। अब देखो हम जब लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको क्या लिखते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या हम इसको ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख लें तब भी क्या फर्क पड़ता है, तो होता तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही है। तो वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2 और वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2, इस पे हम क्या अप्लाई कर देते हैं, ये अप्लाई कर देते हैं तो कितना बन जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। ए है हमारा वर्गमूल 5 ए स्क्वायर, बी है हमारा वर्गमूल 2 तो वर्गमूल 2 का स्क्वायर, तो यहां से कितना आ गया 5, 5 माइनस 2 कितना आ गया 3, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। और ठीक उसी तरह से अगर आप इसकी सिंपल गुणा करते हैं तब भी यही आंसर आना चाहिए। तो आपकी मर्जी है फॉर्मूला आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, या सिंपल करना है इसको। अब देखो वर्गमूल 5 गुणा में वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 5 गुणा में वर्गमूल 2 माइनस इसके इसके साथ, वर्गमूल 2 गुना वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2 गुना वर्गमूल 2, वर्गमूल 5 की वर्गमूल 5 से करेंगे तो 5 हो जाएगा, प्लस दोनों के एक ही जगह वर्गमूल में इकट्ठा करोगे तो वर्गमूल 10 हो जाएगा, माइनस ये भी वर्गमूल 10 हो गया, माइनस वर्गमूल 2 की वर्गमूल 2 के साथ करेंगे तो ये कट गया हमारे, प्लस का वर्गमूल 10 और माइनस का वर्गमूल 10, तो ये हमारे पास रह गया 5 माइनस 2 तो कितना आ जाएगा 3, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें दो ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी जो आपको ध्यान रखनी है कि वर्गमूल ए बी, इसको क्या लिख सकते हैं, वर्गमूल ए गुना में वर्गमूल बी, इसको ये भी लिख सकते हैं, इसको ये भी लिख सकते हैं, एक तो ये। दूसरी है हमारे पास, हालांकि ये कहीं यूज नहीं हुई, वर्गमूल ए बटा बी, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं वर्गमूल ए बटे में वर्गमूल बी। अगर हम बुक की बात करें तो वहां पे 6 लिखी हुई है, लेकिन बाकी तो जो हमारे पास हमने बीजी जो सर्वसामिकाएं की थी, डंडी की थी हमारे पास 8वीं क्लास में से, वही है, तो कुछ उनको ज्यादा अलग से याद करने की या ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इन दो को ध्यान में रखेंगे। तो यह है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड।